पहुंचना है और वो आपको एक दिन के अंदर अप्रूवल कर देंगे। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लर्नर लाइसेंस अप्रूवल क्यों नहीं हुआ। पास की प्रक्रिया और अप्लाई की प्रक्रिया वीडियो बना रखी दोनों पे ही, वो आप चेक कर सकते हो। ऑलरेडी मैं उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लर्नर लाइसेंस के टेस्ट में तो हम पास हो गए, लेकिन लर्नर लाइसेंस का मैसेज नहीं आया, अप्रूवल नहीं हुआ, अभी जनरेट ही नहीं हुआ नंबर, तो हम क्या करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, समय को ना बर्बाद करते हुए, कि लर्नर लाइसेंस के लिए क्या करना चाहिए जिससे वो अप्रूवल हो जाए। तो अप्रूवल के लिए पहली बात तो आप जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ना उसको ध्यान से पढ़ो। ये लाइसेंस की बात नहीं है, आप किसी भी चीज का फॉर्म भी भरते हो या आप कोई फॉर्म ऑनलाइन भी चेक करते हो या किसी को लेटर भी लिखते हो, तो प्लीज एक बार उसके इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ो। क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि यार समय नहीं है पढ़ने का। 2 मिनट निकाल के आप कम से कम उसकी इंस्ट्रक्शन तो पढ़ लो, क्योंकि आने वाले कम से कम आपके 2-4 घंटे तो बच सकते हैं। तो इसीलिए आपको इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ना जरूरी है। आप जब टेस्ट देते हो तो क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है, ये सब कुछ कर लिया उसके बाद भी आपका लर्नर लाइसेंस अप्रूवल नहीं हुआ है और टेस्ट में पास हो गए, तो भैया आपको कुछ नहीं करना, फेस स्लिप का प्रिंट आउट लेके माल रोड अथॉरिटी में जाना है, काउंटर पे दिखाना है और वो आपको एक दिन के अंदर अप्रूवल कर देंगे। कई बार 2-4 फेस आ जाते हैं, उसकी वजह से भी अप्रूवल नहीं होता है। काफी सारे रीजन है, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे से लर्नर लाइसेंस अगर अप्रूवल नहीं हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अथॉरिटी का टाइमिंग है 8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक। याद रखना 1 बजे से पहले पहुंचना है, 1 बजे गेट बंद हो जाता है, और मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे को 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का टाइमिंग है। इन बीच आप जाके अपना लर्नर लाइसेंस अप्रूवल करा सकते हो। अगर आप नहीं जा सकते तो आप किसी को अपनी फैमिली में भेज सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप खुद जाइए, क्योंकि कई बार जो एप्लीकेंट होता है वो खुद जाता है तो उसका रिगार्ड कुछ ज्यादा किया जाता है। नंबर चेंज करना हो, अपडेट करना हो, OTP नहीं आ रहा हो, अप्रूवल नहीं हुआ, कई सारी चीजें होती है जो फेस करनी पड़ती है वहां जाके। तो इसलिए आप जो एप्लीकेंट है उसी को जाना चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करना, मैं जरूर आपकी सहायता करूंगा। जय हिंद जय भारत।